हेलो बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में हम अपना अगला पाठ सर्वनाम शुरू करने जा रहे हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं हम उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक वाक्य लिखा है, मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है। ये किसका उदाहरण है? संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है। अब दूसरी सेंटेंस वाक्य देखिए कि मैंने यहाँ लिख दिया है, यह एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। यहाँ पर मैंने फिर से मेरा विद्यालय प्रतिष्ठित विद्यालय नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर यह का प्रयोग करके समझा दिया है कि जो ऊपर वाला विद्यालय है वही विद्यालय की मैं बात आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, जारी रख रही हूँ। तो इसलिए हमने इसका क्या नाम रखा? यह क्या है? सर्वनाम है। तो जिन शब्दों को हमें बार बार रिपीट न करना पड़े और उन्हीं की जगह पर जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? याद है आपको? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंध बोधक और आखिरी है निजवाचक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक के बारे में। पुरुषवाचक शब्द कौन से होते हैं? याद है आपको? अभी आप संस्कृत में पढ़ चुके हैं। 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। याद आए तीनों? हम उन्हीं तीनों की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों पुरुष। अब सबसे पहले हम अन्य पुरुष की बात करते हैं। अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाती है, ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उत्तम पुरुष यानी जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष यानी जो सुन रहा है। तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से पता है। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक के बारे में। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन शब्दों से यह पता चले कि कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? प्रश्नवाचक हुआ, क्योंकि इसमें मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। अब बात करते हैं निश्चयवाचक की। निश्चयवाचक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी निश्चित चीज की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे यह चौक है, तो मैंने कहा यह चौक है, मतलब यह निश्चित ही है कि इसका नाम चौक है और यह मेरे पास ही रखी है, निश्चित है। अनिश्चित वाक्य कौन से होते हैं? हम निश्चित और अनिश्चित के साथ में बात करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। क्या है अनिश्चित वाक्य? वो वाक्य होते हैं जैसे बाहर कोई आया है, अब कौन है वो मुझे भी नहीं पता है, मैं गेट खोलूंगी तब मुझे समझ में आएगा कि कौन आया है। दूध में कुछ गिर गया है, अब कुछ क्या गिरा है वो मुझे नहीं पता है कि वो निश्चित नहीं है कि कीड़ा भी है या कचरा है। तो जो चीज निश्चित नहीं है वो अनिश्चय और जो चीज निश्चित है वह निश्चयवाचक होती है। निश्चयवाचक में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम काउंट भी कर सकते हैं और अनिश्चित में अनकाउंटेबल चीजें भी आती है। जैसे थोड़ा दूध दीजिए, अब थोड़ा दूध हम ड्रॉप से डालकर तो नहीं देंगे, कैसे देंगे? थोड़ा मतलब थोड़ी क्वांटिटी में दूध दे दीजिए। तो ये अनिश्चय है, अनिश्चय वाक्य होते हैं। अब आपने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पुरुषवाचक पढ़ा, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन है? जिसके बारे में बात की जा रही है। मध्यम पुरुष कौन है? जो बात सुन रहे हैं। और उत्तम पुरुष कौन है? जो बात कर रहा है या बोल रहा है, हम उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब क्या होता है? जिन शब्दों के सुनने से हमें ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न कर रहा है या कोई वाक्य का मतलब प्रश्न के द्वारा हमें समझा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक कहेंगे। फिर हमने पढ़ा निश्चय और अनिश्चय। जो भी चीजें निश्चित है उसके लिए निश्चयवाचक और जो चीजें अनिश्चित है, पता नहीं है और अनकाउंटेबल चीजें हैं, हम उन्हें अनिश्चयवाचक के बारे में, हम उन्हें अनिश्चय के बारे में बात करने वाले शब्द कहेंगे। अगला है संबंधवाचक।
संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द हमने कारक पढ़ा था, आपको ध्यान है कारक में हमने संबंध का की के ऐसा पढ़ा था, तो यहाँ भी संबंध शब्द में वही चीजें आएंगी। जैसे आपके इसमें संबंध वो शब्द होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं। जैसे मेरा विद्यालय, विद्यालय के साथ किसका संबंध जुड़ा है, मेरा जुड़ा है, इसलिए मेरा तो संज्ञा हो गई कि मैंने अपने बारे में कहा, और विद्यालय से यह संबंध स्थापित हो गया कि यह जो विद्यालय है यह मेरा विद्यालय है, यानी मेरा विद्यालय मेरे साथ विद्यालय का संबंध स्थापित कर रहा है। अब अगला है निजवाचक। निजवाचक शब्द क्या होता है, जो स्वयं के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर इन शब्दों की कोई आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन हम जब शब्द पर जोर डालने के लिए बात करते हैं तो इसे निजवाचक शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे एक शब्द होता है आप। अब यहाँ आपका मतलब मैं आपको कह रही हूँ ऐसा नहीं है, ये आप शब्द निजवाचक शब्द में भी आता है। कैसे आता है निजवाचक शब्द में, जैसे आपने ये कहा गुस्से में है और आपकी मम्मी ने कहा, आपने मम्मी से कहा कि मेरा ये काम कर दीजिए, मम्मी ने टाइम नहीं दिया और आपको जब गुस्सा आ गया तो आप क्या कहते हैं, मैं अपना अपने आप कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। तो ये जो आप शब्द है वो निजवाचक, ये शब्द उस बच्चे ने अपने स्वयं के लिए प्रयोग किया है, तो ये शब्द क्या हो गया, निजवाचक हो गया। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, अब खुद कर लूंगा, अपना काम खुद कर लूंगा, अपना काम कर लूंगा मतलब खुद ही करोगे, लेकिन जब शब्द पर हमें जोर देना है वो निजवाचक शब्द कहलाते हैं, जो हम शब्द को जोर देकर कहते हैं। जैसे मैं स्वयं लिख लूंगा, अब मैं लिख लूंगा मतलब मैं खुद ही लिख रहा हूँ, लेकिन हम अपनी बात को और ज्यादा अच्छे से बोलने के लिए मैं खुद कर लूंगी, मैं स्वयं कर लूंगा, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, निजवाचक शब्द कहलाते हैं। अब आज हमारा सर्वनाम का पाठ भी पूरा हुआ।